हमारे महाविद्यालय के अंदर आज एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसका विषय है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ज्ञानार्जन का सेतु मातृभाषा। और इसमें आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं वो चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के उपकुलपति श्री विजय कायत जी हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग आज हमारे यहाँ आमंत्रित किए गए हैं। मॉर्निंग सेशन के अंदर जो हमारे की नोट स्पीकर हैं वो मॉरिशस के श्री राज हीरामन जी हैं, इसके अलावा डॉक्टर हरीश नवल हैं, डॉक्टर आशीष कंदवे हैं, सभी बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ये हस्तियां हैं जो आज हमारे इस सेमिनार में पहुंची हैं। और एक बहुत अच्छा आयोजन ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हमारे महाविद्यालय में हो रहा है, और डायरेक्टर जनरल हायर एजुकेशन द्वारा ये स्पॉन्सर्ड है, और बहुत अच्छा रजिस्ट्रेशन, बहुत दूर दराज के क्षेत्रों से जो डेलीगेट्स हैं वो भाग लेने के लिए इस सेमिनार में हमारे महाविद्यालय में आ रहे हैं। सेमिनार होते रहते हैं हमारे कॉलेज में, उससे हमारा ज्ञान भी बढ़ता है और उससे हमारे अंदर के जो कॉन्फिडेंस है उसमें भी इंक्रीमेंट होता है। ये सेमिनार हमें एक मतलब नॉलेज इंक्रीज करता है हमारी, इससे हम मतलब अपना इनिशिएटिव लेते हैं, स्टेज पे हम अपना कुछ भी परफॉर्म करते हैं, स्पीचेस देते हैं, और ये सेमिनार्स ऐसे ही मतलब हर कॉलेज में होते रहे जिससे हमें नॉलेज भी इंक्रीज हो हमारी, और हम इससे मतलब अच्छे से परफॉर्म भी करते हैं, और सारे इसको मतलब से मेन इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं इससे नॉलेज इंक्रीज होती है। माँ सरस्वती की पावन धरती पर पधारे मुख्य अतिथि महोदय व सभी प्रभु अतिथिजन, महाविद्यालय आगमन पर आपका कोटि कोटि स्वागत, शत शत नमन। उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा प्रायोजित यह अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार हमें डायरेक्टर जनरल हायर एजुकेशन पंचकुला से प्राप्त हुआ, और ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे इस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का जो विषय है वो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ज्ञानार्जन का सेतु मातृभाषा। और इस सेमिनार में आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर महोदय श्री विजय कायत जी हमारे बीच हैं। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। वक्ता के रूप में आप लोगों को संबोधित करेंगे। मॉरिशस से हैं वो, एक बहुत उच्च कोटि के विद्वान हैं, बहुत ही कवि के क्षेत्र में उन अपनी एक पहचान रखते हैं, और मैं देख रही थी उनका बायोडाटा, इतनी उपलब्धियां उनकी हैं कि जिसको मैं यहाँ शायद बता नहीं पाऊंगी। इसी तरह से डॉक्टर हरीश नवल जी हैं, डॉक्टर आशीष कंदवे हैं, जो हिंदी विश्व हिंदी साहित्य परिषद के अध्यक्ष हैं, और दूसरे डॉक्टर आशीष नवल जी जो इंटरनेशनल हिंदी कमेटी के अमेरिका से जो बनी हुई है उसके दिल्ली बेस्ड आयोजक हैं। ये वो महानुभू भाव है, वो महान हस्तियां हैं जो वर्ल्ड लेवल पर अपने जो उनका उनके पास जो गुण है, जो उनके पास जो टैलेंट है, जिस जो अपने क्षेत्र में वो आते हैं। आपको हिचक आए इस पर सेमिनार नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि जापान
आप जानते हैं एक बहुत ही विकसित देश है। जापान दुनिया का एक ही देश है जो अमेरिका द्वारा पटके गए दो एटॉमिक बमों के लिए आज युद्धरत रहा है, लेकिन अमेरिका अपने साझेदारी को ले जाता है ऊपर तो जापानी कैमरा लगा के ले जाता है। ये विकास आप समझिए कि जापान ने कितना विकास किया है। आपको मैं ये भी बता दूं कि जापान ही ऐसा देश है जहां पर सबसे अधिक घंटों की पढ़ाई बच्चों को होती है। जापान ही ऐसा देश है, आप बहुत टीचर बैठे हैं, कि जब बच्चा बीमार होता है स्कूल नहीं जाता है तो उसकी जगह पर उसकी मां जाती है, वो पढ़ के आती है और रात को पढ़ाती है। लेकिन इन सब चीजों के पीछे, इन सब बातों के पीछे मैं क्या बोलना चाहता हूं आपको कि जापान ने कभी अंग्रेजी नहीं पढ़ाई और नहीं पढ़ी। जापान में मुख्य भाषा जापानी भाषा है और जापानी भाषा के अलावा अब दूसरी भाषाएं लोग पढ़ाते हैं। जापान को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जापान के जितने राज्य नेता या जापान के गांवों में, दूसरे शहरों में जितने मेयर, जितने एडमिनिस्ट्रेटर नॉमिनेट होते हैं, वे लोग होते हैं जो हमारे महाविद्यालय के अंदर आज एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया है जिसका विषय है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ज्ञानार्जन का सेतु मातृभाषा, और इसमें आज